हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो मैं बनाई हूँ दैट इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ मेगास्पोर मैंने बताया हुआ है। नाउ इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब मैं बार बार बताती हूँ, डेट इज फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किसका होना है? फॉर्मेशन मेगास्पोर का होना है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, किस तरह से एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बन रहे हैं, क्लियर? तो मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ पे ये फिगर जो दिया हुआ है ये पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है। आप लोग ये देखिएगा, पेज नंबर 26 में ये दिया गया है। ठीक है, ये गिवन है आपके पेज नंबर 26 में, देखना ये मिल जाएगा आप लोग को। नाउ अब इस फिगर को स्टेप वाइज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि दैट इज फंक्शनल, सॉरी दिस इज व्हाट मेगास्पोर मदर सेल, और इधर क्या लिखा है, माइक्रोपाइलर एंड लिखा है, और मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ क्या लिखे गए, न्यूसेलस, है ना। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि आखिर ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कैसे बना है, किसको कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ समझो क्या है कि मान लो कि ये हमारा, हम लोग बनाते थे ना कि इस तरह से हमारा क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है और बीच में हम लोग एम्ब्रायो सैक बनाते हैं, और एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ में हम लोग बनाते हैं इस तरह से, हम लोग क्या बनाते हैं, दिस इज न्यूसेलस। ठीक है, अब इसको एनाट्रोपस ओव्यूल में ये जो एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर रीजन एंड दिस इज चैलेजल रीजन, ये भी हम लोग जानते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर रीजन का जो सेल है ना, के तरफ के जो सेल है न्यूसेलस के, इसको बड़ा कर लो, है ना। न्यूसेलस का वो सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ होता है, ध्यान से सुनो, न्यूसेलस रीजन का वो सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ होता है, इट बिकम एनलार्ज इन साइज। उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये माइक्रोपाइलर एंड क्यों लिखा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे, और ये मैंने बताया भी है कि आपको कैसे उस फिगर को समझना है, है ना। बनाया जरूर वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, लेकिन वो लग रहा है, एक एक नजर में अगर आप लोग देखोगे तो वो लगेगा कैसा भाई, ऑर्थो, लेकिन वो कैसा है हमारा, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल कौन सा सेल हो गया है, फंक्शनल। अभी यहां न्यूसेलस का वो सेल जो माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ होते हैं, दैट एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। तो आप एनसीईआरटी का ये लाइन पढ़ोगे, पेज नंबर 26 में दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए इसको, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड व्हाट, मेगास्पोरोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर है, और ये भी हम लोग बताए हैं यहाँ कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है और वो कैसे बना है। न्यूसेलस के जो सेल होते हैं उसमें माइक्रोपाइलर रीजन के जो सेल होंगे वो एक्ट करेंगे कैसे, मेगास्पोर मदर सेल के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ये लाइन को अंडरलाइन कर लो आप लोग, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इतनी बात समझ में आई, नाउ दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। अब ये बात समझ में आ गया कि एमएमसी क्या है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। अब मदर सेल है तो इसकी प्लॉयडी क्या होगी, इट इज 2L, है ना। ये कैसा प्लॉयडी है, इसका प्लॉयडी लेवल क्या है, डिप्लॉयड है, 2N है। कहीं भी मदर सेल अगर होता है इट बिकम्स व्हाट, डिप्लॉयड। नाउ
अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा और मोड ऑफ डिवीजन कैसे होंगे, मियोसिस, मियोसिस वन होता है, मियोसिस में दो इवेंट होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। आफ्टर मियोसिस वन टू सेल्स आर फॉर्म्ड, मियोसिस वन के बाद दो सेल के फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम लोग मेगास्पोर डायड कहते हैं। डायड का मतलब क्या हो गया, टू। डायड का मतलब क्या होता है, टू। इसको हम लोग रख कर दें। नाउ मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस वन होता है, टू सेल का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर डायड। तो ये जो सेल अब बने डायड, इट बिकम व्हाट, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस वन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस वन में ही क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मतलब 2n से कितना हो जाएगा, n, बिकॉज इट इज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है। तो मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर। नाउ जब ये डायड बन जाएंगे देन यहां मियोसिस अपना पूरा कंप्लीट तो करेगा, मियोसिस टू होगा। आफ्टर मियोसिस टू फोर सेल्स आर फॉर्म्ड, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर टेट्राड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। एक दो तीन चार, चार सेल बन गए हैं। चारों के साथ चारों सेल जो होंगे, ये चारों सेल कैसे हैं हमारे, हैप्लॉइड, है ना। ये चारों सेल जो हुए ये कैसे हो गए हमारे, हैप्लॉइड। तो यहां चार सेल बना है इसलिए इसको क्या लिखा गया है, मेगास्पोर टेट्राड। इसमें कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई एक सेल डिवाइड करता है, मियोसिस होता है, तो अल्टीमेटली चार सेल बनते हैं और चारों सेल जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड। वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि यहां रिडक्शन डिवीजन हुआ है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है और अब गैमेट ही बनने जा रहा है। तो आगे के जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार जब सेल रिडक्शन डिवीजन करके हैप्लॉइड हो गया है तो आगे फर्दर जितने भी सेल बनने जा रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे, क्लियर। तो ये जो इवेंट हम लोग यहां से यहां पढ़े, मियोसिस हुआ मेगास्पोर मदर सेल का, अल्टीमेटली फोर सेल्स जो बने उसको हम लोग मेगास्पोर टेट्राड कहें। नाउ अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि चारों मेगास्पोर फंक्शनल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें से आउट ऑफ फोर थ्री बिकम डीजनरेट, वन टू थ्री, तीन जो है वो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। ओनली वन इज फंक्शनल, एक ही क्या होगा, ये फंक्शनल होगा, एक ही मेगास्पोर इसमें फंक्शनल होगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई, दिस आउट ऑफ फोर ओनली थ्री विल बी डीजनरेट, तीन डीजनरेट होते हैं एंड ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो रिमेन्स करते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। तो सिंगल स्पोर ही इसमें डेवलप करने जाएगा, आगे फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। वेरी क्लियर, समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो ये जो डेवलपमेंट हम लोग का यहां से यहां तक पढ़े हैं, दैट डेवलपमेंट इज व्हाट, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और कॉमनली एक क्वेश्चन बनता है यहां पे, इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि इसकी स्टडी जो हुई थी सबसे पहले पॉलीगोनम में हुई थी, इसलिए इसको हम लोग पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। बट आप लोग के बुक में ये दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब एनसीईआरटी के पॉइंट पे अगर आते हैं तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि इट इज अ लार्ज सेल
मेगा स्पोर मदर सेल के ही बारे में बताया जा रहा है कि इट इज अ लार्ज सेल एंड विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस? अब यहाँ पे मियोसिस अगर हुआ तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्यों मियोसिस हुआ है, है ना? ये क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी. तो आपका आंसर क्या होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस इज टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमिटोफाइट. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, मियोसिस का इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है, मियोसिस इज टू इंश्योर, ये इंश्योर करना, इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमिटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमिटोफाइट, कि जो गैमिटोफाइट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे. इसी को एंश्योर करने के लिए यहाँ पे मियोसिस होता है. एंड देयर आउट ऑफ फोर देयर इज ओनली वन फंक्शन मेगास्पोर विल बी फॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. दिस टाइप इज कॉल्ड व्हाट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. बात क्लियर है? तो थोड़ा हम लोग को दो क्वेश्चन और एक पूछ सकता है कि बायस्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा. बायस्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल जो होता है, बायस्पोरिक मतलब क्या हो गया, दो, चार में से दो अगर फंक्शनल किसी में हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, बायस्पोरिक. तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है. एलियम कॉम्पिटेटिव लेवल में ये सब पूछता है क्योंकि आपके नेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सा एनसीईआरटी बियॉन्ड जाता है. तो बायस्पोरिक डेवलपमेंट एलियम, टेट्रास्पोरिक जो हो जाएगा, टेट्रास्पोरिक दैट इज एडॉक्सा है. बात क्लियर है, समझ में आ गई? तो यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया. नाउ अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, दिस इज दिस वन, ये जो नेक्स्ट फिगर है, दिस इज फीमेल गैमिटो फाइट. अब जो यहाँ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है दैट इज व्हाट, फीमेल गैमिटोफाइट, एंड दैट फीमेल गैमिटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रायो सैक. दैट इज कॉल्ड व्हाट, एम्ब्रायो सैक, जो आप लोग बनाते हो, है ना. जैसे अब यहाँ पे मान लो कि ये हमारा, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, और बीच में जो फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हो, उस फीमेल गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितनी न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते, कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं. तो क्या लिखता है एनसीईआरटी बुक को लो कि इन अ मेजोरिटी, फीमेल गैमिटोफाइट में देखना कि इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल. ये मैंने बता चुका, मैं बताई हूं कि फंक्शनल मेगास्पोर, है ना, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं एंड अदर थ्री विल बी डीजनरेट. ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमिटोफाइट, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप करता है, फीमेल गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट फीमेल गैमिटोफाइट इज एम्ब्रायो सैक. एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन अगर इस मेथड से हो रहा है, वेयर ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर विल यूज्ड, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं. नाउ तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी, क्या कोई बता सकता है यहाँ पे कि ये जो न्यूसेलस है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, मीन्स कि डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा. तो ये कैसा होगा न्यूसेलस हमारा, 2n ही होगा, क्योंकि न्यूसेलस का तो रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है. तो न्यूसेलस की प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी. फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है,
मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉयडी क्या होगी, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बताई हूँ, डिप्लॉयड होगी। एंड फिर क्या पूछ रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉयडी क्या होगी। अगर आप इसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हो, जो यहाँ मैं लिखी हूँ दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, इसकी प्लॉयडी क्या होगी, ये हैप्लॉयड होगा। क्यों हैप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल मेगास्पोर बने हैं आफ्टर मियोसिस बने हैं, इसलिए यहाँ रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। मेगास्पोर मदर सेल का क्या हो चुका है, रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, इसलिए जो ये फंक्शनल मेगास्पोर बने हैं वो कैसे बने हैं, मियोसिस के बाद बने हैं, इसलिए कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। दिस विल बी व्हाट, हैप्लॉयड। उसके बाद क्या दिया है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉयडी क्या होगी, ऑब्वियसली कि एक बार अगर रिडक्शन डिवीजन हो चुका है तो अब इसमें जितने भी सेल बनने जा रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट भी हमारा कैसा होगा, वो भी हैप्लॉयड ही होगा। वेरी क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे ये बात। Now, अब यहाँ समझना है कि आखिर जब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, आखिर फीमेल गैमेटोफाइट में किसी तरह से तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होगा, कोई तो प्रोसेस यहाँ पे होंगे। तो अब इसको कंसिडर हम करते हैं कि चार में से एक हमारा क्या हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कैसा है, फंक्शनल मेगास्पोर इज हैप्लॉयड। ध्यान से सुनो, फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो गए हमारे, हैप्लॉयड होंगे। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे डिवीजन होता है, डिवीजन होगा किसका, न्यूक्लियस का। डिवाइड करेगा क्या, न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ डिवीजन माइटोसिस होता है, मोड ऑफ डिवीजन क्या होगा, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज व्हाट, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। एन से एन ही बनेंगे, हैप्लॉयड है तो जितने भी सेल बनेंगे, जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे, इट बिकम्स हैप्लॉयड। बहुत अच्छे से ये समझना होगा। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड किया तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस अगर डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा, दो। तो यहाँ पे टू न्यूक्लियेट स्टेज हुआ, दो न्यूक्लियस बनते हैं और दोनों अपोजिट पोल के तरफ चले गए, एक माइक्रोपाइलर के तरफ चला जाता है, एक चालाजल के तरफ चला गया, दोनों अपोजिट पोल के तरफ चला गया। तो याद रखना कि माइटोसिस कितना हुआ, एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ। नाउ अब यहाँ जब दो न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक, इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये एम्ब्रायोसैक है और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस, तो दिस इज कॉल्ड टू न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टू न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक। नाउ फिर से यहाँ माइटोसिस हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, यहाँ दूसरा माइटोसिस हुआ है, यहाँ दूसरा माइटोसिस हुआ, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया दो बनाया, ये भी न्यूक्लियस डिवाइड किया दो, मतलब दो से कितने बन गए, चार। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोर न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फिर माइटोसिस हो रहा है, मतलब तीन माइटोसिस हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट को बनने में माइटोसिस जो हो रहा है वो थ्री टाइम्स हो रहा है, देन फोर से कितने बन रहे हैं, एट न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हुआ। कितने होते हैं, एट न्यूक्लियेट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। वेरी क्लियर, समझ में आ गई कि फंक्शनल मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो एक टर्म हम बोलना चाह रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन होता है तब वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन इमिडिएटली नहीं होता है। इमिडिएटली सेल वॉल आर नॉट लेड, इमिडिएटली सेल वॉल आर नॉट लेड, है ना, इमिडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं।
मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली। इमीडिएटली कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, होगा लेकिन लास्ट में होगा, क्लियर। तो इस तरह से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ, 4 न्यूक्लियाई एक एंड पर है, 4 न्यूक्लियाई एक एंड पे है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक, जब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन देयर इज सेल वॉल आर फॉर्म्ड। अब सेल वॉल के फॉर्मेशन बिगिंस होते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। लेकिन अभी ध्यान से यहां पे आप लोग सुनिए कि 4 न्यूक्लियस यहां पे है, इसमें से 4 न्यूक्लियस यहां, यहां 4 न्यूक्लियस है, तो 4 न्यूक्लियाई में एक न्यूक्लियस को सेंटर के तरफ भेज देता है, इसको भी सेंटर के तरफ भेज दिया। 4 में से एक न्यूक्लियस को, दोनों पोल में से एक एक न्यूक्लियस को सेंटर के तरफ भेज दिया। तो जब 4 में से एक सेंटर में आ गया, यहां भी 4 था, इसमें भी एक सेंटर में आ गया, तो एक पोल पर 3 बच गया, इधर भी 3 बच गया, ठीक है ना। तो यहां पे 8 न्यूक्लिएट में स्टेज के बाद एम्ब्रायो सैक में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको समझना है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएट स्टेज, एक एक सेल को, एक एक न्यूक्लियाई को, नॉट एक एक, एक एक न्यूक्लियाई को सेंटर के तरफ भेजा जा रहा है, और जो न्यूक्लियाई सेंटर के तरफ आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पे सेंट्रल सेल है, ये बड़ा सा जो सेल है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल सेल कह रहे हैं। इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्लियर। एंड यहां पे हम लोग 3 जो न्यूक्लियाई देखे थे उसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, उसके चारों तरफ क्या हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। सेल वॉल जो बन रहे हैं न्यूक्लियाई को सेंटर में सेंड करने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चारजल एंड, है ना। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में हम लोग देख रहे हैं कि 2 सिनर्जिडल सेल बनता है एंड 1 एग सेल का फॉर्मेशन हुआ। एंड इधर हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटीपोडल सेल, 3 जो यहां पे दिखाया जा रहा है अनदर पोल के तरफ, एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी इस क्लास में हम लोग ये समझे हैं कि किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद आफ्टर माइटोसिस 1, 2 एंड 3, मतलब 3 है ना, यहां पे जो 3 माइटोसिस हो रहा है, यहां पे कितने माइटोसिस हो रहे हैं, 3 माइटोसिस हो रहा है। तो आपके बुक में ये जरूर लिखा गया होगा, क्या लिखता है कि 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, एक के बाद तुरंत में सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायो सैक विल बी फॉर्म्ड। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट, जैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, सेल वॉल आर लेड, है ना, सेल वॉल जो होते हैं, क्या लिख रहा है कि सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन होगा तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। और इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग इसमें ऑब्जर्व करिए, इन साइड द एम्ब्रायो सैक 8 न्यूक्लियाई में से 6 जो होते हैं सेल वॉल उसके चारों तरफ सराउंड होते हैं, एंड द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन अ लार्ज सेंट्रल सेल, है ना। वही चीज मैं डिस्कस की हूं कि 8 न्यूक्लियेट स्टेज होने के बाद ही सेल वॉल अब लेड होगा।
8 जब न्यूक्लियेट स्टेज हो जाते हैं, दोनों पोल के न्यूक्लियाई में से एक एक न्यूक्लियाई को सेंटर के तरफ भेजा गया, जिसको हम टू पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड जो दो पोलर न्यूक्लियाई जहां जिस सेल में प्रेजेंट है उसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। एंड सेंट्रल सेल के आप ठीक ऊपर क्या देख रहे हैं, सिनर्जिडल सेल और एग सेल, इसको हम एग एपरेटस कहते हैं। एंड दिस इज चैलेजल एंड के तरफ हम लोग देख रहे हैं, दिस इज एंटीपोडल सेल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हम इस पर और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम फीमेल गैमेटोफाइट को 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्टेज कहेंगे। क्लियर? एक और डायग्राम बच रहा है, मैं उसमें फिर से उसको ऑर्गेनाइजेशन को बताऊंगी। अभी के लिए इतना सफिशियंट है, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, एक एक लाइन को समझिए। और यहाँ जितने भी सेल बने हैं सारे के सारे सेल कैसे होने हैं, हैप्लॉयड होने हैं, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन यहीं पे हो चुका। अब फर्दर जितने भी चेंजेस आएंगे, तुमसे कोई भी कुछ पूछता है कि सिनर्जिडल सेल हैप्लॉयड, एग सेल हैप्लॉयड, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉयड, अलग अलग पूछेगा हैप्लॉयड, दोनों को मिला देगा डिप्लॉयड, है ना। एंड एंटीपोडल सेल हैप्लॉयड। वेरी क्लियर टू ऑल? तो इतना आज के लिए मैं रहने देती हूं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो थैंक यू।